बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के ग्राम सासिया गढ़ी के प्राथमिक विद्यालय में प्रशासन के आदेश पर सिखाए गए बच्चों को आत्मरक्षा के तरीके, जिसके लिए नगर कोतवाली से महिला सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी और महिला कांस्टेबल कविता चौधरी ने स्कूल के बच्चों को दिए आत्मरक्षा के टिप्स, जिसमें SI लक्ष्मी ने बच्चों को बताया प्रशासन के सभी हेल्पलाइन नंबर। साथ ही कांस्टेबल कविता चौधरी ने लड़कियों को कोई अचानक पकड़े तो कैसे करें बचाव, इस बारे में दी जानकारी। ज्ञान न्यूज से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सासियागढ़ी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है और देखने में आ रहा है कि दो पुलिसकर्मी महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और जिसमें एक सब इंस्पेक्टर महोदया है, तो यहाँ की अध्यापिका है, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं ये आप यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो आई हुई है जी, ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है। ये यहाँ पे जो हमारी SI महोदय है लक्ष्मी, SI लक्ष्मी जी और इनके साथी भी आए हैं, सहायक हैं इनकी, तो उन्होंने यहाँ पे आत्मरक्षा के शिविर हमारी बालिकाओं को दिए हैं। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के टिप्स बताए कि फिजिकली अगर हमको कोई परेशान कर रहा है तो हम उससे कैसे अपना हाथ पाँव छुड़ा सकते हैं, कैसे उसकी गर्दन पर प्रहार कर सकते हैं। उन्होंने अभी बताया कि आलपिन हमें गैया सेफ्टी में अपने पास हमेशा रखनी चाहिए, या अगर हम कोई जबरन हमारा हाथ पर पकड़ रहा है तो हम उसको काट के भी अपना हाथ छुड़ा सकते हैं या किसी भी तरह से प्रहार करके। उसके अलावा बैड टच और गुड टच के बारे में भी लड़कियों को बताया गया है और बहुत सारी जो घरेलू यौन उत्पीड़न वगैरह होता है उसके द्वारा हमारे स्टाफ द्वारा और मेरे द्वारा भी सबको जानकारी बच्चियों को दी गई है कि किस तरह से वो अगर कोई परेशानी होती है तो जो भी हमारे वांछित नंबर हैं हम पे फ़ोन कर सकते हैं, अपने मम्मी को बता सकते हैं, अपनी भाभी को बता सकते हैं या स्कूल में स्टाफ में से किसी को बता सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पे आ जाते हैं। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ की जो अध्यापिका जी, उन्होंने बताया कि ये जो सेल्फ डिफेंस शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर SI लक्ष्मी और एक कॉन्स्टेबल यहाँ पर आई हुई है, जिन्होंने बच्चों को जानकारी दी कि सेल्फ डिफेंस में वो किस तरह से क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मोनिश सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, सासियागढ़ी, सिकंदराबाद।